Now come to the numerical number 6.5. On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and bicycle is 40 kg. Now come to the solution of numerical number 6.5. इसमें हमारे पास बताया गया है कि एक जो है 6 मीटर का जो गिवन डाटा में हमारे पास 6 मीटर की हाइट पे एक जो है साइक्लिस्ट मूव करके गया है, उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, यानी कि उसकी हाइट 6 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो हमें बताया गया है वो है 1.5 मीटर पर सेकंड और एंड पे हमें बताया गया है जो मास और साइक्लिस्ट साइकिल है उस उन दोनों का कंबाइन जो मास है वो 40 केजी है। तो इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड में ये पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी। उसकी वजह यह है कि इसमें हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन वाली कंडीशन नहीं है कि जो वैल्यू हमारे पास ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी की थी वो टोटल की टोटल चेंज हो गई कहाँ पे, जो मैक्सिमम पॉइंट थे। तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन नहीं दी गई कि जो है वो ग्राउंड पे कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, ये हमें इस चीज की कंडीशन नहीं देगी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हमें दोनों फाइंड करनी होगी और दोनों डिफरेंट होंगी, तो इट मींस कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। इसमें इसका मतलब ये है कि वो टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में या पोटेंशियल की एनर्जी काइनेटिक में चेंज नहीं हुई। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv2 की है। यहाँ पे m की वैल्यू भी गिवन है और v की वैल्यू भी गिवन है और पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 45 जाउल। अब पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज मास की भी है, जी की हमें पता 10 होती है और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 मीटर। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2400 हमारे पास जाउल पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.5। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 6.6। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 400,000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, यानी इसमें एक मोटर बोट है वो 4 मीटर पर सेकेंड की जो है वो स्पीड के साथ मूव कर रही है और उस पर रेजिस्टेंस जो 4,000 न्यूटन एक्ट कर रही है, न्यूटन मतलब ये एक फोर्स है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, यानी इसमें हमसे पूछा गया कि इंजन की जो है वो पावर क्या होगी। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.6। इसमें हमारे पास गिवन डाटा में एक मोटर बोट जो है वो मूव्स कर रही है विद द स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो उसके ऊपर यानी कि वो जो मोटर बोट है उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है वो है 4,000 न्यूटन। तो इट मींस न्यूटन किसका यूनिट होता है, तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इन द फॉर्म ऑफ क्या है, फोर्स। न्यूटन शो कर रहा है कि ये एक फोर्स है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड में पूछा गया तो कि उसकी पावर क्या होगी। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो हमें पता है एज वी नो पावर इज इक्वल टू W/T, लेकिन ना तो हमारे पास जो है W की वैल्यू गिवन है ना ही हमारे पास जो है वो टाइम की वैल्यू गिवन है। तो हमें एक नया फॉर्मूला जनरेट करना होगा यहाँ से ही, इसमें ही मॉडिफिकेशन करके। तो हमारे पास W यानी वर्क इसकी इक्वल होता है Fs के और हमारे पास ये टी नीचे एज इट इज आ गया। तो हमें पता है S/T यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, स्पीड के। तो हम ये S/T की जगह V लिख देंगे। तो हमारे पास F की वैल्यू भी गिवन है, V की वैल्यू भी गिवन है, तो जस्ट इसमें पुट कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पावर का आंसर आ जाएगा 16,000। तो ये वॉट, तो ये हमारे पास पावर का आंसर आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1000 किसके इक्वल होता है, किलो के। तो हम इसको किलो के यानी कि इक्वल भी रख सकते हैं, P = 16 kW। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.6। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 6.7। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रो 50 मीटर इन 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, यानी इसमें वो कह रहा है कि एक आदमी है वो ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स लगा के 50 मीटर तक वो डिस्प्लेस कर रहा है और उसके लिए 60 सेकेंड का टाइम ले रहा है और वो उससे में पूछ रहा हमसे कि वो कितनी पावर यूज करेगा। तो इसमें हमने पावर फाइंड करनी है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.7। इसमें हमारे पास गिवन डाटा में क्या दिया गया कि एक आदमी जो है वो फोर्स लगा रहा है एक ब्लॉक के ऊपर 300 न्यूटन की।
वो उसको के कितने सेकंड में, 60 सेकंड में कितने फासले तक ले जा रहा है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर रहा है 50 मीटर तक। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि ये काम करने में उसको कितनी पावर लगानी पड़ी, यानी पी फाइंड करना हमने। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं, तो एज वी नो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो हमारे पास W की वैल्यू तो नहीं गिवन, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से इसी को जनरेट करना होगा। W किसके इक्वल होता है, एफ एस के। तो यहाँ पे W की जगह एफ एस लिख दिया, बाकी एज इट इज आ गया, नीचे T उसी तरह ही आ गया। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, एस की वैल्यू भी गिवन है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दे वैल्यूज को, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दें। जस्ट सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा पी इज इक्वल टू 250 वाट। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.7। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 6.9। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि एक पंप की पावर फाइंड करे जो कि क्या करता है, वो पानी को लिफ्ट करता है कितनी हाइट तक, 6 मीटर पर, 6 मीटर की हाइट तक। उसमें टाइम जो है वो 10 सेकंड ले रहा है और उसका मास कितना है, 200 kg। तो इसमें हमने पावर फाइंड करनी ऑफ द पंप। नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.9। इसमें हमारे पास एक पंप है जिसका मास हमें दिया गया 200 kg। उसने क्या किया है कि एक वाटर को 6 मीटर के यानी हाइट पे लिफ्टेड किया है और उसको लिफ्ट करने में टाइम लिया है 10 सेकेंड, और वो पूछ रहे हैं कि उस पंप की पावर क्या होगी। तो यानी पावर फाइंड करनी है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एफ एस, जस्ट हमने इसमें पुट कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास देखे फोर्स की वैल्यू नहीं गिवन, तो ना ही हमारे पास एस डिस यानी एस डिस्टेंस गिवन है। तो हमारे पास एस चूंकि चैप्टर डिस्टेंस है, सिक्स ये के हाइट के इक्वल बच्चे हमने लिखे हैं, न्यूमेरिकल्स आपको तो एस को नेक्स्ट हम हाइट वीडियो के में इक्वल मिल रख जाएंगे। देंगे। और थैंक एफ यू किसके इक्वल फॉर होता है, हमारे वॉचिंग। पास एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। तो जस्ट हम इसके अंदर वैल्यूज को यानी एफ को एम जी के इक्वल रख देंगे और एस को एच लिख लेंगे। तो हमारे पास मैस की वैल्यू भी गिवन है, हाँ एच जी की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्केयर होती है, और एच की वैल्यू भी गिवन है और टाइम की वैल्यू भी गिवन है। तो इसके अंदर जस्ट पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास पावर का आंसर आ जाएगा 1200 वॉट। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6.9। इस चैप्टर के दो न्यूमेरिकल 6.8 और 10 नहीं करने, क्योंकि 6.8 फिगर वाला है, फिगर वाला बोर्ड में नहीं आता। इसके अलावा 6.10 वो बहुत बड़ी उसकी स्टेटमेंट है, तो वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमने वो दो न्यूमेरिकल्स इसमें मिस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।